सेलिब्रिटी बाइक पप्पन भाई बहुत सारे अंदर। अरे रास्ता बंद है वहाँ पे। रीढ़ की हड्डी देखो कितना लाल लाल है। ये तंगड़ी कबाब घुस गया। खजाना यहाँ पर है। हमें देख रही है, ये आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। देखो नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रॉनी टूबा, फिर एक बार नए वीडियो के साथ आपके सामने आ रहा हूं। और आज हम जा रहे हैं नरेश्वर, जो कि अपने जो बिंड रोड या मान लो कि हम कह सकते हैं एयरपोर्ट रोड की तरफ से जाना पड़ेगा। मैं अभी फ़िलहाल हूं अभी डीडी नगर के गेट पर, यहां पर अपने दोस्त सब इकट्ठा हो रहा है, शामिल हो रहा है यहां पे। फिर यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो कोई आया नहीं है, अपडेट टाइम है 12:30 बजे, तो पहुँचेंगे जैसे ही तो हमसे यहाँ से हम निकल पड़ेंगे। तो यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं, सबल भाई, अमित भाई, और ये देख लो इन लोगों का रील का पागलपंती, अभी भी नहीं छुट्टी है, रील बना रहा है ये लोग। और यहाँ पर अपने डेविड भाई और ये हमारे सेलिब्रिटी भाई पप्पन भाई यहाँ पर है। और मेहता भाई आए करो जाने से पहले की तैयारियाँ देखो, सारे गाड़ियों में हवा वगैरह भर जा रहा है और पूरा सेट किया जा रहा है गाड़ियों को। अभी चढ़ना है हमें माउंटेन पे जंगल में। सामने का जो दलदल जैसा था तो वो वहाँ से जाके हम गांव वाले से पूछ ले, गांव वाले ने बताया कि इसी रास्ते से उस तरफ नहीं जाना, इस तरफ मुड़ के वहाँ पे सामने जो खंभे आ रहे दिख रहा है इलेक्ट्रिक, तो वहाँ से एक रास्ता गया, उस रास्ते से हमें सीधा जाना है, वो मंदिर तक जाता है उनका कहना है। चलो देखते हैं एक बार। तो हमारे मेहता भाई की गाड़ी पंचर हो गई है वहाँ पर, और इतनी दूरी पे यहाँ पर आप देख सकते हो ये रास्ता अच्छा रास्ता है, पर जाके देखना पड़ेगा कि ये सच में वहाँ पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा। पर हम तो वैसे ही आपको पता ही है बिना रिस्क लिए कुछ नहीं होता दोस्तों, हर काम में रिस्क होता है और कोशिश करना हमारी जिम्मेदारी है ना, हमारा काम है, कर्तव्य है। और क्या बोलूँ, कोई और शब्द है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा जितना हो सके उतना हिंदी का शब्द इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हमारे नेचुरल बैरियर्स, स्पीड ब्रेकर्स ये देख सकते हो सब जगह पर मौजूद है। और इनका तो देखो है क्या शानदार लग रही है, सजा के रखा हुआ है इसका तो है। देखिए कितना लाल लाल है और मीठे बहुत है। चलिए खा लेते हैं, यहाँ बहुत सारे हैं, तोड़ना चाहो। और ये यहाँ ऐसी चीज़ जब मिलती है ना, मौका नहीं छोड़ना चाहिए भाई, बिना सोचे समझे बस टूट पड़ो खा लो, मस्त है, खांडे तो लग जाएंगे। माँ ये देखो एक और घुस गया। आए देखो हमारे पप्पन भाई कैसे तलाश रहा है, ये बढ़िया पिकनिक हो रहा है। देखो ये देखो भाई खांडे बहुत है। यो तो बेर का खजाना यहाँ पर है, मेरा मुंह तो पूरा भरा रखा हुआ है बेर से, पार्टी नहीं करवा रहा हूँ। मुंह में भर के बहुत सारे मुंह में भरे रखे हुए हैं, नहीं बोल पा रहा हूँ। यहाँ पर आप ले लो खा लो, मौका आया तो छोड़ना नहीं, टूस लो पूरा। हाईवे, हाईवे के बगल में आप देख सकते हो ये पूरा जो इलाका है खदान है, हर जगह जगह आपको मिट्टी की ढेर दिख रही है। और सबसे ज्यादा तो ये खांटीले बेर के झाड़ियाँ बहुत ही ज्यादा, ये यहाँ पर अभी भी बेर चुन रहे हैं हमारे पप्पन भैया। दोस्तों हम निकल पड़े हैं इस रास्ते से, रास्ता थोड़ा अच्छा है, कॉन्क्रीट है कम से कम, यहाँ पे बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे चलते हैं आगे, मेहता भैया अरे गाड़ी भगा दिया थोड़ा सा। ये देखो दोस्तों क्या शानदार नजारा है, देखो इस ऊंचाई से आप देख सकते हो, ये देखो आ गए हम इस रास्ते से यहाँ ऊपर तक पहुँच गए। यस ये आ गए हमारे भाई, ओके। और देख सकते हो आप ये नज़ारा धुंधला सा, क्या खूबसूरत है, ये देखो क्या खूबसूरत है नहीं। इस रास्ते पे हम खड़े हैं, यहाँ पे पता नहीं एक छोटा सा एक
मकान जैसा छोटा सा बना दिया है रहने के लिए, पत्थर वत्थर देखो बैठक बना दिया है, पता नहीं क्या चीज़ है, देखने में ऐसा लगता है। और जो बदबू है यहाँ पे जो फैली है, इससे ऐसा लगता है ये बकरों को या बकरियों को यहाँ पे रखने की जगह है। और एक देख लो बैठने वाली जगह है कि नहीं, कमाल की बनाई है, पत्थर को ऐसे लगा दिया पेड़ों के बीच बीच, नेचुरल जो जगह है। और यहाँ पर आपको नज़र आता है ये देखो क्या है, हो क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा कसम से, स्पॉन्ज जैसे लग रहा है। तो आपको दिखाई दिया था ना स्पॉन्ज, स्पॉन्ज ये है ऊन है, यहाँ पे शीप का ऊन को निकाला गया है, वो यहाँ पर भी डाला हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे है कि नहीं। ये देखो सर्दी का समय है दोस्तों, थोड़ा मैं ले जाऊँ। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, ये देख सकते हो आप, ये हमारे ग्वालियर एयरपोर्ट का रनवे है, जो सफ़ेद सी जो लाइन नज़र आती है। अभी अभी हमने फ्लाइट देखा हमारे एयरफोर्स का उतरा था वहाँ से। ये है शीतला माता का मंदिर और हमें जाना है इस रास्ते से, ये आगे बढ़ रहे हैं हमारे भाई लोग। चलिए 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 दोस्तों, ये है ऑफ रोडिंग अभी चालू हो गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जा रहे हैं हम लोग। और रेत भी है यहाँ पे बीचों बीच रास्ते के, और कांटे हैं साइड में बहुत ज़्यादा। रास्ता है बहुत उबड़ काबड़ क्योंकि जंगल में होने की वजह से क्या बारिश के समय क्या हो जाता है, यहाँ पे पानी भर जाता है और जब गाड़ियाँ चलती है यहाँ पे तो गड्ढे हो जाते हैं। यार यहाँ तक पहुँचे और यहाँ से दोबारा राइट, लोकेशन को ध्यान रखिएगा, ये देख लीजिएगा ये लोकेशन है, सबसे फेवरेट ये वाले काले बेरियां जंगली, सबसे बेर फेवरेट है। अरे सबसे फेवरेट वाला मेरा ये मस्त वाला है, ये अलग है, ये देख सकते हो ये वाले कोर बेरी है, सबसे फेवरेट बेरी है मेरा ये देख सकते हो आप, ब्लैक बेरीज बहुत ही मीठे होते हैं, संभाल के खाना पड़ेगा क्योंकि कांटे सीधे सीधे काट जाते हैं। आज हम नरेश्वर जा रहे हैं नहीं जा रहा हमें पता नहीं है, पर जरूर जंगल का सफारी हो रही है। देखो ये देखो सर, जंगल में फैले पड़े हैं सारे के सारे, बुक्कड़ों के जरा सब टूट पड़े जंगली चीजें खा रहे आज कसम से, ऐसे जिंदगी कभी मिलती नहीं है, मजे ले लो। तो इस रास्ते पे आप देख सकते हैं, ये देखो भैया, ये देखो भैया भाग गए सबके साथ, डर गए। ये आप देख सकते हो तालाब सामने आपको, वहां पे जंगली मुर्गियां भी दिखाई दे रही है, बतख जो कहते हैं ना वो भी है, और टिटिर वाले टिटिर है वहाँ पे टिटिर, पर पानी तो भैया खतरनाक बदबूदार है दोस्तों। सामने देख सकते हो आप नीलगाय इतनी बड़ी है, देखो ये देख पा रहे हो शानदार, हमें देख रही है, दे आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, देखो 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 क्या बात है, जंगलों का आज पूरा मजा ले लिया हमने, कुछ भी बोलो दोस्तों। आप देख सकते हैं ये रास्ता जो है बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ रास्ता है, कांटे तो है इस साइड में और रेत भी है, और इसके साथ साथ पत्थर भी बहुत खतरनाक है। अभी आंख में पता नहीं क्या घुस गया, ये यार ये दोस्तों ये देखो, ये देखो हालत देखो यहाँ पे, ये देख सकते हो पत्थर ठीक है, वार गिर गया, बारे बाप रे, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये लोग देखो कहाँ पर है, ये तो खाने में लगे यहाँ पे, मंदिर कहाँ है ये देखो ये देखो ये पत्थर भरा सा रास्ता, ये क्या पैदल जा रहे तुम लोग गाड़ी से आ रहे तो पैदल जाएंगे देखो दोस्तों ऑन द वे हमें मिल गई है यहाँ पे खो, जैसे देव को है यहाँ पे नरेश्वर को है, एक तालाब है झील है बहुत ही खूबसूरत, ये देख लो पहाड़ी इलाका में, हमें और आगे बढ़ना है, हमारे भाई लोग निकल पड़े हम तो चलते हैं अभी। हे दोस्त आ रहा है ना मजे, ये देखो पूरा जंगल, ये है जंगल ठीक है ना, और रास्ते में बहुत सारे ऐसे अलग अलग चीज़ें मिल रही है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है हमारे ईगल का पंख कितना बड़ा है आप देख सकते हो, है ना मज़ेदार शानदार, इसको मैं लगा दूंगा ऐसे, ये है शानदार जंगली पूल, फूल नहीं है ये फूल है, ओ बाप रे ये देख सकते हो आप, मुझे लगा कांटे नहीं है तो कांटे वाला है, शानदार है खूबसूरत कलर से। रास्ते में हमें मिल गया है एक हाथ पंप
पानी है कि नहीं दिखते। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे मोर के पंखों को यहाँ पे काट के रखा गया है। ये एक शानदार मुझे मिल गया यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत है ये खटा हुआ है। और काफ़ी सारे यहाँ पे काट के इसको मतलब छोटा करके इसको लिया है, लेके जा चुके हैं मार्केट में बेचने के लिए। तो इसे मैं अपने पास रख देता हूँ, बहुत ही खूबसूरत है, शानदार। और पानी आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? क्या बात है, पानी आ रहा है। चलो पानी आ रहा है, मजे ले लो, थोड़ा सा ठंडा ठंडा हो जाओ। खूबसूरत, क्या देखो क्या आवाज आ रही, खूबसूरत। सो ये दोस्तों हमें मिल गए यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग, यहाँ पे वो लोग कह रहा है कि इस रास्ते से जाएंगे, ये मालनपुर के लिए भी जाता है और यहाँ से हमें गाड़ियाँ रख के नीचे उतरना पड़ेगा। तो हमें मिल रहा है वहाँ पर नरेश्वर के मंदिर। चलो ये सामने बकरे है बहुत सारे। नाम क्या है बाबा आपका? परशोत्तम। यहीं के गांव के? अच्छा अच्छा अच्छा। और आप लोग यहीं के? इधर भी है, तीनों एक ही गांव के। ओ बकरे बकरे चरा रहे। जंगल बहुत बड़ा है, छोटा जंगल बड़ी। अच्छा लगा वैसे, बेरी तो बहुत सारे जंगल में पूरे भरे रखे हुए है, है ना? पूरे रास्ते में हम बस खाते खाते हुए आ रहे हैं। अरे भैया, अबे गिर गया रे। देखा हालत, देखी एकदम से गिर गया। ये देखो सारे के सारे जगह पे यहाँ पे बकरे चल रहा है, आप लोग देख सकते हो। ये देखो यहाँ पर, चलिए। अरे दूर हट, गाड़ी के नीचे मत दबाना भाई, दूर जा। ये दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये रास्ता, यहाँ से हमें इस रास्ते से सीधा नीचे उतरना है इस तरफ, आप देख सकते हैं यहाँ। और उस तरफ वहाँ पे बीचों बीच नरेश्वर मंदिर है। हम पहुँच रहे हैं अभी गांव की तरफ। तो यहाँ पर आके बेहतरीन चीज़ जो मुझे दिखी है ना, वो है जंगल तो है, नेचर तो है, ओके, भेड़ बकरे भैंसे नील गाय सब जगह पर यहाँ पर है। और साथ ही साथ यहाँ पर हमें बहुत सारे मोर भी मिले, ये सामने मेरे है अभी वहाँ पर है। और उससे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ ये है, ये देख लो सोलर पैनल से पावर्ड किया हुआ ये मोटर है जिससे पानी उठाया जा रहा है। ये देख लो क्या कमाल की चीज़ है गांव के अंदर। क्या शानदार दोस्तों ये नज़ारा, ये देखो ये देखो ये देखो सबके साथ वहाँ पर देखो हालत खराब हो रही गाड़ी को नीचे उतरने में। और हमारी गाड़ी यहाँ तक पहुँच चुकी है, अभी यहाँ से और उतरेंगे, इस रास्ते से उतरते उतरते वहाँ पहुँचना है। मज़े तो बहुत खूब आ रहा है दोस्तों, शानदार ये देखो। भैया तो धक्का मार के लेके आ रहा है। आपको भी साथ में ले चलते हैं। रास्ते में मिलता है सब कवर कर लो भाई, ये देखो पता नहीं क्या है, बढ़िया शानदार खूबसूरत है कि नहीं? इस रास्ते से हमें आगे बढ़ना है। सामने है खूबसूरत तालाब, आप देख सकते हो पानी ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम भरा हुआ। और ये देख लीजिएगा ये पुराने पत्थर उस जमाने के यहाँ पर जो साइड में बांधे रखे हुए हैं, और काफी पत्थर नीचे बहुत ही मोटे मोटे आपको दिखाई देता है, बहुत ही पुराने हैं। ये पूरी चीज यहाँ पर जो है बहुत ही पुरानी बनावट है यहाँ पर जितना भी है। ज्यादातर यहाँ पे कोई लोग आते नहीं है और इस वजह से रास्ता वगैरह सब ब्लॉक है। हम आ चुके हैं यहाँ पे एक तालाब के बगल में, आपको जो तालाब अभी दिखाया था मैंने, हम लोग वहाँ पर थे, उधर से ऐसे घूमते हुए यहाँ पहुँच गए।
और ये देख लीजिए शानदार खूबसूरत फूल यहाँ पर नज़र आते हैं और बहुत सारे बतख इसके अंदर। बेहतरीन जगह, बहुत ही मज़ा आ गया। मैं तो पूरी गाड़ी को ऐसे भगा रहा हूँ, मैं ये देख सकते हो, ये इसके ऊपर मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, स्लाइड करने को बिल्कुल स्लाइड नहीं हो रही गाड़ी। ओके, और कैंपिंग के लिए तो शानदार जगह है, कुछ नहीं चाहिए, कैंप है, चादर वादर मैटी वैटी सब कुछ नहीं है, बस इसके ऊपर आराम से लेट जाओ, मज़ेदार कसम से। ये देखो खुशी देखो सबके चेहरे पे, दो गाड़ियों को हमने टिका दिया वहां पे और पैदल पैदल हम चल रहे हैं अभी। लग गई कांटा, चलो बढ़िया ट्रेकिंग करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे ऊपर एक और नीलगाय वहां पर आपको दिखाई दे रहा है, हमें वेलकम कर रही है ये। तो कोई दोस्तों पैदल 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 में जाना पड़ रहा है और आप देख सकते हैं पहाड़ियाँ, जो महाराजाओं की पुरानी रास्ता बनी हुई है जो अंदर गुप्त वाली, तो वो एक रास्ता इधर भी है। ओके, मतलब किले से सीधा यहाँ पर बाहर निकलता है, अंदर से आई है और सीधा इधर निकलते हैं। क्या बात है, अब बता रहे हैं उसको बंद कर दिया गया है कुछ समय पहले, ठीक है, कोई पशु जानवर उसके अंदर चला गया तो वो उसमें खत्म हो गया। ओके, इसलिए अंदर से बंद कर दिया गया है। तो नरेश्वर मंदिर मतलब केदारनाथ मंदिर है ना, देखिए। तो दोस्तों अभी हम हैं ऐसी जगह पे जिसका नाम केदारनाथ मंदिर बोलते हैं और यही है नरेश्वर मंदिर। नरेश्वर गांव है तो उसी के नाम से ही जाना जाता है। आप देख सकते हो आप यहाँ पे पत्थर को यहाँ पे बढ़िया तरीके से कटिंग वटिंग करके यहाँ पे मंदिर के लिए तैयार किया जा रहा है और सामने नजर आ रहा है पानी आने वाला रास्ता। चलते हैं ऊपर और देखते हैं खूबसूरत नज़ारे। और सच में ये पुरातत्व मंदिर है, मैं बता सकता हूँ आपको, ये देख सकते हो आप यहाँ पे क्या शानदार लग रहा है, पुराना ये पुरानी बनावट ये देख लीजिए। आपको नजर आ रहे हैं ये सारे पत्थर इन्हीं मंदिरों का है जो नीचे गिरे हुए, ठीक है ना, इनको यहाँ रखा हुआ। हम आ चुके हैं अभी हनुमान जी के मंदिर पे, आपको सामने नजर आ रहा है, आपके दर्शन के लिए इतने दूर हम पहुंचे हैं और ये खूबसूरत नजारा आपको दे रहा है। दोस्तों आप देख सकते हो ऊपर की तरफ से तलैया है तो वहां से ये पानी आ रहा है, अभी भी देखो धीरे धीरे थोड़ा सा पानी है और ये जो पत्थरों की अंदर की तरफ से देखो आ रहा है। So, दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ उस गुफा के तरफ जो किले से ये गुफा कनेक्टेड है। सच में यहाँ से देखने में तो थोड़ा डरावना लगता है, ये आप देख सकते हो अंदर, पता नहीं जाएंगे तो कहाँ तक जा पाएंगे मुझे पता नहीं है वैसे। और इससे पानी भी बाहर बह रहा है आप देख सकते हो, ये वही गुफा है जिसे अभी बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों ये गुफा है आप देख सकते हो यहाँ पर, और अंदर जाएंगे तो पता नहीं, अंदर जाने की हिम्मत तो कर ही नहीं रहा मेरा वैसे भी, तब भी कोशिश करूंगा थोड़ा थोड़ा अंदर जाने के लिए। ये देख सकते हो आप, वाह बाप रे, पता नहीं कितने टाइम से ये सब बचे यहाँ पे बैठे हुए, मधुमक्खियां नहीं है ये, अरे ये पता नहीं क्या, ये देख सकते हो आप ये मिट्टी का छत्ते जो बने हुए, ये मधुमक्खियां तो नहीं है, ये देख लो, ये देख लो है कि नहीं, ये देखो बहुत सारे अंदर। और अरे रास्ता बंद है वहां पे, हाँ दोस्तों अभी हम ये देख लीजिए, हम अभी है केदारनाथ माता का मंदिर मैं, आप देख सकते हो ये है मंदिर, ये देख लीजिएगा। तो आपके दर्शन के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आपको मैं दिखा देता हूँ। हाँ ऊपर तलाई है, उस तलाई से इसमें पानी बहता है, वैसे अभी है नहीं है, चलिए हम ऊपर चलते हैं तलाई की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कार्य यहाँ पे प्रगति पर है, आप देख सकते हो ये चीज़ यहाँ पे बांध के रखा हुआ है, देखिए दोनों पत्थरों को किस तरीके से जोड़ा जाया है और ये नया नया है अभी बनाया हुआ है आप देख सकते हो। तो अभी यहाँ पे काम चल रहा है इसका, अच्छी बात है डेवलपमेंट या मान लो रेस्टोरेशन होना ज़रूरी है, रेस्टोरेशन के बिना कुछ भी नहीं होता है। ऐसी जगह पर आगे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, यहाँ से ऊपर आया इस जगह से, हेलमेट मैंने अपना वहाँ रख दिया है और यहाँ से खूबसूरत नज़ारा दिखता है आपको नरेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स का, ये देख लीजिएगा कितने सारे जो मंदिर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये देख लीजिए।
So, दोस्तों थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पर नरेश्वर मंदिरों के पास यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपना टाइम बिता रहा है थोड़ी देर के लिए। और अभी सूरज ढल रहा है, वैसे काफ़ी टाइम हो गया, 12:30 बजे मान लीजिए, 1 बजे से 1, 2, 3 घंटे जंगलों से आते आते तीन घंटे लग गए क्योंकि हम लोग गलत रास्ते से आ गए। वैसे हमें आना चाहिए था महाराजपुरा से, बस 2 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ पर हम लोग पूरे हाईवे से घूमते हुए और नरेश्वर गांव में से होते हुए यहाँ तक पहुँचे। एनीवेज बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जंगलों से आते हुए, और जंगलों के जो फल है बेरियाँ हैं उन्हें भी खाने का अलग ही मज़े है। नील गायों को देखने को मिला, अलग अलग जानवरों को देखने को मिला, लोगों से मुलाकात हो गई है और आखिरकार हम यहाँ पर है अभी। तो अभी थोड़ी देर हमने खाना पीना भोजन जो करना था वो कर लिया है और थोड़ी देर यहाँ पर बैठे हैं और सूरज देवता हमारा डूब रहा है तो उनका भी एक शॉट ले लेते और इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त कर लेते आज के लिए, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करें और अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन का बेल आइकन घंटी बजा के रख दीजिएगा ज़रूर, ठीक है। और इस सूरज देवता का सिनेमेटिक शॉट को मज़े लेते हुए इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।